ईशा साहब आगे आ जाइए आप। अयाज साहब आ जाइए आप। नवे साहब आगे। नवे साहब आगे। नवे साहब आगे। साहब करो जी इसका। Представь, будь вам потім захаял. लेकिन आज तक उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इससे लोग सफर करते हैं। आप देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो के जो वादे आपको किए गए हैं, याद रखिए, यकीन रखिए अपने लीडरों के ऊपर। जो लीडर यहां से आपने चुन के भेजे हैं, ये लीडर अपने बड़े लीडर साहब मिलके हम सब वो वादे आपसे सारे पूरे करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के कोई हालात सुधार सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सुधार सकती है। अगर गरीबों का कोई काम कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। और इसलिए आपने जैसे जावेद राणा साहब ने कहा, दुआ भी करना और साथ भी हमारा दे, चाहे कश्मीर का गरीब है, हम दोनों मिलके सारे गरीब जम्मू कश्मीर के, इस जम्मू कश्मीर को जिस दलदल में हमें बताया गया है उस दलदल से हमें बाहर निकलना है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ कौन निकाल सकता है? बोलो कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? फिनेंस की अप्रोच के लिए रुका है वो। मेरी फिनेंस सेक्रेटरी से बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ दिनों के अंदर वो प्रोसेस में सैंक्शन हो जाएगा और उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। और डिपार्टमेंट का अपना पैसा है, मेरी बात वो करेंगे। इस चैलेंज हमारे सामने है, बेशक हमने पिछले चैलेंज को भी सामना किया, जो चैलेंज है चैलेंज को पार करके आपका काम हम करेंगे। ग्रुप मनी हमारी है, ऐसे लोग जो वाबस्ता वो हमारे हैं, और जो इस मंडी के डेवलपमेंट होने में रिकावट पैदा करेगा उसको बचा नहीं जाएगा। एम्प्लॉइज का आज क्या हो रहा है, इसे सालों में क्या हुआ है, यहां के प्रोजेक्ट धोखे दे गए। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की बिला लिहाज मजबूत मिला तरह वो नस्ल खेलमंद करनी है, और उसी खिदमत का जज्बा लेके अमरुद्दोला साहब के हुक्म के मुताबिक हम सब लोग जो है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं। जावेद साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया, बल्कि जोरदार तरीके से ये कहा कि इस सरकार को आपके तावन की जरूरत है। मैं आपको सलाम पेश करूंगा, सैल्यूट पेश करूंगा कि हां बड़ी साक्ष्य होने के बाद आने वाले वक्त में सिर्फ मैग्नमाइजेशन या इंटरनल इश्यूज जो भी हो, फ्लैश लाइट, नबार, मैग्नमाइजेशन, पानी, बिजली, जितने भी मसाइल हैं मंडी, मुझे ये नहीं लगता है कि जावेद दार साहब के रहते हुए या हम